بسم الله الرحمن الرحيم. माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक, एडवोकेट सिवल 3D के न्यू लेसन के साथ हाजिर हूँ. आज के लेसन में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट कॉरिडोर इन एडवोकेट सिवल 3D, कि हम एडवोकेट सिवल 3D में कॉरिडोर को कैसे क्रिएट करेंगे. इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वाली वीडियो आपको बरवक्त पहुँच जाए. तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं. ये देखिए मैंने एक एलिमेंट किया है एक रोड का, सही है. मेरे साथ एक एलिमेंट है, इसके ऊपर ये देखिए सुपर एलिवेशन भी ड्रा हुआ है. ये एलिमेंट इसी तरह ड्रा किया है मैंने, सही है. ये मेरे साथ एक रोड है इधर तक, और ये इसका प्रोफाइल है, सही है. ये प्रोफाइल मैंने तैयार किया है इसका. हमने पहले ये पिछले लेक्चरों में डिटेल के साथ प्रोफाइल तक पढ़ा है. हम असेंबली भी हमने क्रिएट किया, लेकिन अभी मैं असेंबली क्रिएट करूँगा कॉरिडोर के लिए. तो चलिए असेंबली स्टार्ट करें. सबसे पहले देखिए होम टैब में क्लिक करेंगे और असेंबली में आएंगे. असेंबली में सबसे पहले क्रिएट असेंबली पे क्लिक करें और इधर कोई भी नाम दे दो, सही है. इधर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वन नाम दे दिया, ठीक है. और इधर से ओके करूँगा. अभी एक जगह पे सेलेक्ट करूँगी बेस लाइन, तो इधर ही क्लिक करूँगा. तो ये इधर अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये टू पैलेट्स को क्लिक करना पड़ेगा. और इधर से सबसे पहले हम लेंस को सेलेक्ट करेंगे, लेंस. और इधर से लेंस ऊपर एलिवेशन और को क्लिक करके इधर से भी चेंजिंग हो सकता है साथ साथ. अगर बाद में एडिट करना चाहते हो बाद में इधर एडिट कर सकते हो पैरामीटर की मदद से. अभी क्या करेंगे, लेंस के बाद हम शोल्डर लगाएंगे. तो शोल्डर के लिए क्या, शोल्डर पे क्लिक करेंगे और शोल्डर एक्सटेंडर पे क्लिक करेंगे, सही है. अभी इधर सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है. ये शोल्डर लग गया. इसके बाद हम डिलाइट को लगाएंगे, डिलाइट पे क्लिक करेंगे और इधर बहुत से ऑप्शन है, सही है. मैं डिलाइट मिक्स ऑफसेट पे लगाऊँगा, सही है. क्लिक करूँगा, इधर से भी चेंजिंग कर सकते हैं, सही है. अभी मैं इधर इस सर्कल को क्लिक करूँगा तो देखिए ये जेड लगा. अभी मैं इसमें एक बैरियर को ऐड करते तो बेसिक को क्लिक करेंगे और इधर नीचे बेसिक बैरियर है, सही है. इसको क्लिक करके इधर सेंटर में एक बैरियर लगाएंगे, सही. अभी सिंपल इसको सेलेक्ट करो, इसको भी सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करो और इधर ये मिरर पे क्लिक करो और इधर इस लाइन को सेलेक्ट करो तो ये ऑटोमेटिक मिरर हो जाएगा, सही. अभी इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं. ये रेड वाला सेट को सेलेक्ट करेंगे और इधर सब असेंबली प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे और इधर से यूज सुपर एलिवेशन इसको ओके करके इधर से राइट लेन आउट सेट सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे, सही है. और इसको फिर ओके करेंगे अगेन. अभी लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड को सेलेक्ट करेंगे और इधर से सभी असेंबली प्रॉपर्टी में जाएंगे और इधर से पैरामीटर्स को क्लिक करेंगे और इधर से यूज सुपर एलिवेशन इसको लेफ्ट लेन आउट सेट करेंगे, इसको ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे. अभी असेंबली तैयार हो गया. अभी इसके बाद हम कॉरिडोर को क्रिएट करेंगे, सही है. तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉरिडोर पे जाएंगे और कॉरिडोर पे क्लिक करेंगे, सही है. इधर कॉरिडोर को एक नाम दे देंगे, जो भी नाम हमें फॉर एग्जांपल वन दे दिया. प्रोफाइल में प्रोफाइल दे देंगे, असेंबली में जो असेंबली हमारे साथ, अगर ज़्यादा असेंबली है तो अपने असेंबली को सेलेक्ट करोगे, सही. अभी मेरे साथ एक ही असेंबली है तो सेलेक्ट करूँगा. टारगेट सर्फिस हमारे साथ जो सरफेस होता है एग्जिस्टिंग, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे, सही है. ओके करने के बाद इधर से हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके अपने मर्जी से जितने मैं 35 रखना चाहता हूँ इसको भी 35 रखना चाहता हूँ, जो रिक्वायर्ड हो आप इसको यूज़ कर सकते हो. उसको ओके करूँगा और इधर से सेट ऑल टारगेट पर क्लिक करूँगा. अभी देखिए ये क्लिक हेयर टू सेट ऑल पर क्लिक करके इधर से सरफेस को सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा. इसको ओके करने के बाद अगेन ओके करूँगा और अगेन उसके बाद अप्लाई एंड ओके.
ओके गुरु में सही। तो देखिए फ्रेंड, ये कॉरिडोर ड्रा हो गया, सारे रोड पे कॉरिडोर ड्रा हो गया। ये देखिए पूरा कॉरिडोर इस पे ड्रा हो गया सही। ये सेंटर में देखिए ये बैरियर है सही। तो इसी तरीके से हम कॉरिडोर को ड्रा कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ड्राइव पे क्लिक करेंगे और इधर से अगेन जो सेंटर होगा इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अभी ओके करने के बाद इधर ये प्ले पे क्लिक करूँगा और अभी देखेंगे, अभी ये पूरा रोड हमें दिखा रहा है कॉरिडोर का कैसे पोजीशन में है। जिधर पे शेडेड आएगा वो जगह कट होगा, जिधर ब्लू एरिया आएगा उधर फिल आएगा। अभी देखते हैं किधर कटिंग, इसमें ज़्यादातर कटिंग होगा क्योंकि प्रोफाइल में कटिंग ज़्यादा है। अभी देखिए इधर से इसमें अभी हमारा बैरियर जो हमने सेंटर में शो किया था वो भी शो हो जाएगा। अभी देखिए स्टार्ट, ये एरिया जो अभी है ये फिलिंग में है, देखिए सेंटर में। अभी आगे इसके ऊपर शेडेड जब आएगा तो वो जगह कट में होगा सही। अभी देखिए इसके बाद इधर कट स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये फिलिंग है, ये एरिया पूरा फिलिंग है देखिए। इधर देखिए शोल्डर और बैरियर और साइड स्लोप ये सारा इसमें शो हो रहा है सही। जिस जो चीज़ें हम असेंबली में ऐड किए थे वो सारे इसमें शो हो गए। तो इसको इधर से क्लोज कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम कॉरिडोर को क्रिएट कर सकते हैं सही। अभी इसके बाद क्या करेंगे, कॉरिडोर को सेलेक्ट करेंगे और इधर से सेक्शन एडिटर में जाएंगे, उसको क्लिक करके इधर एडिट व्यू रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करेंगे और इधर से लेआउट में टू हॉरिजॉन्टल कर देंगे। व्यू पोर्ट वन में प्रोफाइल रख लूँगा और व्यू पोर्ट टू में सेक्शन रख लूँगा। अभी इसको चेक करते से इसके एक ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद सेक्शन एडिटर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो देखिए फ्रेंड, ये इस जगह का सेक्शन, अभी हम ऐसे सेक्शन के ऊपर बाद में डिटेल से लेक्चर करेंगे, लेकिन अभी इस तरह है कि इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। तो अभी इसका स्केल थोड़ा सा और छोटा करेंगे सही। तो हमारे साथ ये सेक्शन है सही। अभी हमारे साथ उधर सुपर एलिवेशन हमने एडिट किया था, तो अभी इधर से और सारे सेक्शन इधर हमारे साथ आ गए। देखिए ये सारे सेक्शन है उधर 1+140 सुपर एलिवेशन उस पर ऐड किया था उस चैनल पे, 1+143 इसको सेलेक्ट करते स्केल के। तो देखिए फ्रेंड, +4 -4 ये उधर हमने सुपर एलिवेशन को शो किया था। तो इसी तरीके से हम कॉरिडोर को क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम कॉरिडोर सर्फिसिंग कैसे करेंगे और कॉरिडोर के ऊपर सिंपल लाइन को कैसे ड्रा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।